नमस्कार, आज हम रेवाड़ी सिग्नस अस्पताल में हूँ, जहाँ पर आज आप बेहद सूचनात्मक, जिसको कहे कि जो स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, ऐसी एक खबर से रूबरू कराएंगे। आखिर किस तरह से एक लीवर, जो कि एक हमारे शरीर में बेहद अहम रोल अदा करता है, कहीं ना कहीं हम कितने स्वास्थ्य हैं उसके बारे में बताता है, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को इसके लिए बेहद जागरूक होने की जरूरत है। तो आज जो आंत, लीवर और जो विभाग होता है किसी भी अस्पताल का, बेहद अहम कहा जाता है। हमारे साथ जो यहाँ पर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अभिजीत रंजन, उनसे जानेंगे कि आखिर जो लीवर है, क्योंकि एक नई मशीन भी ये लेकर आए हैं जो बताएगी कि आपका लीवर कितना स्वस्थ है, जो कि बेहद जरूरी है। उनसे ही जानेंगे आखिर ये मशीन काम कैसे करती है, और लीवर कितना अहम है किसी भी व्यक्ति के लिए, और कितना जागरूक होना जरूरी है ताकि अपने आप को स्वस्थ रखा जा सके। हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत रंजन है, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या है, सर क्या है ये मशीन और किस तरह से लीवर के लिए ये फायदेमंद साबित होगी। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अभिजीत रंजन, स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट एंड लीवर स्पेशलिस्ट एंड उजाला सिग्नस हॉस्पिटल। जी, आज हम लोग फाइब्रोस्कैन के बारे में बताना चाहते हैं। फाइब्रोस्कैन एक होती है लीवर की जिस जांच, जैसे आप लोग सभी जानते हैं अल्ट्रासाउंड जैसे होता है, वो एक प्रोब होता है, पूरे पेट में घुमाया जाता है और सारी जांचें धीरे धीरे करके देखी जाती है सारे ऑर्गेन्स के बारे में। ये जो जाँच है फाइब्रोस्कैन, ये सिर्फ लीवर को ही देखने के लिए होती है, और आजकल जो नया टेक्नोलॉजी आई है जिसके चलते हम लोग स्प्लीन को भी देखते हैं। स्प्लीन मतलब जो तिल्ली होती है। एक्चुअली फाइब्रोस्कैन जो एक मशीन है, ये वाली ये मशीन बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन है। जो चीज़ कई बार ऐसे होता है पेशेंट्स को पता नहीं चलता कि फैटी लीवर है या लीवर सिरोसिस है या क्रोनिक लीवर डिजीज है। जो बेचारे LFTs जो पेशेंट्स होते हैं, कई बार अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि फैटी लीवर है, CT स्कैन में पता चलता है कि लीवर में थोड़ा सा स्टिफनेस दिख रहा है, तो हमें कन्फ्यूजन रहता है कि क्या है। और पेशेंट कई बार जॉन्डिस भी रहती है, लीवर एंजाइम्स रिपोर्ट्स बढ़े रहते हैं, उसमें ऐसे जब कंफ्यूजन स्टेट होता है तो फिर आज से 20 साल पहले लोग लीवर बायोप्सी किया करते थे। लीवर बायोप्सी एक बहुत इनवेसिव प्रोसीजर होता है। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से मशीन्स की बात कर रहे हैं, उससे पहले हम जान लेते हैं कि लीवर का कितना महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के लिए जानना, कि कितना हेल्दी लीवर होना चाहिए, क्योंकि तमाम मशीनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन लीवर का रोल क्या होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, और आखिर कितना महत्वपूर्ण होता है ये। तो वही मैं हम कंटिन्यू करते हुए कि जैसे लीवर बायोप्सी पहले होती थी, अब वो लीवर बायोप्सी होती ही नहीं, कोई सुई डालता नहीं। तो आजकल ये मशीन होती है, वो सिंपल टेस्ट है फाइब्रोस्कैन मशीन, जिसमें हम लोग देखते हैं कि लीवर का फैटी लीवर कितना कंटेंट है। आजकल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि जैसे फैटी लीवर एक मोटापा, जैसे लोगों में फैटी लीवर बहुत कॉमन हो गया है, और आज से 5 से 10 साल बाद वही फैटी लीवर धीरे धीरे वो लीवर को कमजोर बनाता है और सिरोसिस में कन्वर्ट होता है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट समय है, आज हम लोग काफी एक दशक पीछे हैं उस बीमारी से। अगर हम उस बीमारी को पता कर ले समय से पहले, और वैसे बीमारी को बचाया जा सकता है, हम लोग रोक सकते हैं लोगों को वैसे बीमारी में जाने में। आजकल जो लीवर सिरोसिस है, जैसे फैटी लीवर के चलते होता है, शराब के चलते होते हैं, हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी होती है जो काला पीलिया लोग कहते हैं, वो सारा जो है उससे लीवर कमजोर होता है। वो लीवर कितना कमजोर है वो इस मशीन से सीख जाती है, बड़ा रोल है। तो आखिर लोग क्या करें, एक तो होता है कि बीमारी के बाद क्या करें, वो भी आपसे जानेंगे, लीवर को हेल्दी रखने के लोग क्या करें। तो लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, जैसे एक सेना होती है हर इसमें किंगडम में कि वो बचाती है अपने प्रजा को, वैसे पेट में जो भी चीजें आती है वो लीवर के थ्रू होते ही बॉडी में जाता है। जैसे शराब पीते कोई तो लीवर में आके ठहरता है और लीवर खराब होता है पहले, या खाना भी खाते तो लीवर में आके सब चीज एब्जॉर्ब होता है। इसलिए हमें ये देखना है कि लीवर में कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है, कोई अगर शराब पिया है, कोई अगर फैट ज्यादा खाने कंटेंट होने से फैटी लीवर हो जाता है लोगों को, उससे क्या है कि लीवर कमजोर होना स्टार्ट होता है। तो हमें ये देखना होता है कि लीवर कितना हेल्दी है। लीवर का इतना इसलिए इम्पोर्टेंस है आज के दिन में क्योंकि वो 500 से ज्यादा फंक्शंस करते हैं। ऐसा कोई बॉडी में कोई ऑर्गेन नहीं है जो 500 से ज्यादा फंक्शंस करते हैं, और किसी का भी लीवर खराब हो तो ये सारा फंक्शंस कमजोर हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। हार्ट डिजीज, जो लोग कहते हैं कि हार्ट की बीमारी है, हार्ट की बीमारी नहीं है, वो लीवर की बीमारी है। जो दिमाग वाला चीज है वो कहाँ से आता है, जो कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट, वो लीवर से आता है। तो आज इतना इम्पॉर्टेंट हो गया लीवर कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमें अपना लीवर देखना है कि लीवर इम्पॉर्टेंट है, हेल्दी है। कहीं ना कहीं जिस तरह से लाइफ स्टाइल बदल रहा है, लीवर को हेल्दी रखना बेहद जरूरी है, आप ये कहना चाह रहे हैं जी। तो सर, एक मशीन भी आपके अस्पताल में आई है, तो ये कैसे फंक्शन करेगी, रेवाड़ी के लोगों को इसका क्या लाभ मिलने वाला है जी? तो पहले मैं ताना चाहूंगा कि किन लोगों को ये टेस्ट कराना चाहिए। जैसे कई बार पेशेंट आते हैं हमारे पास कि सर मेरे पास अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर है,
कई लोग बोलते हैं ग्रेड 1 फैटी लीवर है, ग्रेड 2 फैटी लीवर है, तो हमें ये नहीं पता रहता है कि फैटी लीवर कितना है, 200 है, 300 है, 400 है। ये मशीन जो है बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बता देती है कि आपको कितना कंटेंट है, कि आपका 40% है फैट लीवर के अंदर, 60% है, 80% है, जिसमें हमको लीवर बायोप्सी करने की जरूरत नहीं पड़ती और हम लोग बता भी सकते कि देखिए इतना समस्या है, आप जल्दी से जल्दी वेट कम करें। कई बार पेशेंट आता है कि हमारे पास सर लीवर फंक्शन टेस्ट है, हमारा जॉन्डिस है, हमारे लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, उसमें भी ये फाइब्रोस्कैन टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन इज नॉट द टेस्ट, वो पहला टेस्ट नहीं होता, और वो कभी भी एक्यूरेट टेस्ट नहीं होता जितना फाइब्रोस्कैनिक टेस्ट होती है, जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता देगा कि आपका लीवर में कितना फैट है, कितना कमजोरी है। वो बायोप्सी जैसे ही है, जैसे पहले 20 साल पहले बायोप्सी हुआ करती थी, वो अंदर तक जाके ये लगभग 10 सेंटीमीटर तक अंदर तक इसका वेव्स जाते हैं और फिर डिटेक्ट कर लेता है कि अंदर में क्या हलचल चल रही है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि कितना टाइम इस टेस्ट में लगता है और किस तरह से टेस्ट करते हैं, आप एक बार बताएंगे जिस तरह से आपके पास पेशेंट भी दिख रहा है। ये प्रोब जो है हम लोग जो है पेशेंट को पहले एक कर्वी लीनियर पोजीशन, जिसको हम कहते हैं कि केला जिससे बनाना होता है, उसी तरह से पोजीशन में रखते हैं, पैर को उस तरफ और सर को इस तरफ, जिसके चलते ये जो रिब्स होता है ये खुल जाते हैं, ओपन हो जाता है, और इसी पोजीशन पे हम लोग जो है यहाँ पे इस पोजीशन पे रख के ये बटन दबाते हैं और यहाँ पे रिपोर्ट आना स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह से लाइफस्टाइल बदला है कहेंगे लोगों में इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो जांच के लिए कैसे संपर्क और किसकी कितनी कॉस्ट होती है लगभग जांच के लिए? ये टेस्ट जो है हम लोग रेवाड़ी में बहुत सस्ते में कर रहे हैं, और इतना तो मतलब जो रेट दिल्ली गुड़गांव में और टीयर वन सिटीज़ में हाफ रेट में कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो है। दूसरा चीज़ है कि इसके लिए जो रिक्विजिट्स होते हैं, पेशेंट को सिर्फ 4 घंटे खाली पेट चाहिए होता है, अगर सुबह नाश्ता करके भी आए तो 12-1 बजे हम लोग एंड करके आ जाते हैं, तो पेशेंट 2 मिनट में फ्री हो जाता है। इस जाँच से ये फ़ायदा होता है कि हमें अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत नहीं है, सिटी स्कैन में कोई जो कॉन्ट्रास्ट डालते हैं, कई बार पेशेंट का पता नहीं चलता कि लीवर सिरोसिस है, लीवर में फैट कितना है, और वो परेशान रहता है। हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इसमें कुछ नहीं चिंता की विषय है। अगर मैं इस बच्चे का अगर मैं अल्ट्रासाउंड करने चाहूँ और वो मशीन में अगर फैटी लीवर दिखाता है, ये जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, हम कह सकते हैं कि आपको फैटी लीवर नहीं है, आपका लीवर को कोई बीमारी नहीं है, आप बेफिक्र रहें, आपका लीवर बिल्कुल स्वस्थ है, और लीवर अगर आपका अच्छा है देन आप, अगर आप ये एक स्टडी भी हुआ था लीवर एंजाइम्स, अगर किसी का ALT अगर 10 है तो वो 90 साल जिएगा। जिस तरह से आपने बताया कि भाई 90 साल जिएगा, तो रेवाड़ी के लोगों को किस तरह से इसका लाभ मिलने वाला है, क्योंकि गुड़गांव या दिल्ली जाना पड़ता है तमाम सुविधाओं के लिए, क्योंकि इतनी बेहतर सुविधाएं हेल्थ में है नहीं। मैं इस मशीन को इसलिए लाना चाहता था क्योंकि मेरा एक कैंपेन है कि मैं लोगों को ठीक करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एज ए डॉक्टर तो चाहते हैं कि हर पेशेंट आए मेरे पास और फिर इलाज कराए, लेकिन मैं अगर बीमारी को पहले पकड़ूँ, अगर वो पहला स्टेज में आ जाए, तो मैं उसको बता सकता हूँ कि आप ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स करें, आपको ये बीमारी ना हो। दूसरा तीसरा कंडीशन में फाइब्रोसिस स्टेज में आते हैं, तब हम उसको हम लोग उसके हिसाब से मेडिसिन चलाते हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको वेट लॉस के लिए बोलते हैं, दवाइयाँ देते हैं, हमारे पास 3 से 4 महीने बाद दोबारा रिपीट करते हैं, कई बार बाहर भेजना पड़ता, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं वो। तो हम भी चाहते हैं कि जो ये सब जो पहला स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज के जो लोग हैं, हमारे पास पहले आके डिटेक्ट हो और उनकी बीमारी ना बढ़े और पहले हम ठीक करके दें। चौथा स्टेज जिसको हम लोग कहते हैं एंड स्टेज लीवर डिजीज, जिसमें हम सिरोसिस कहते हैं, लीवर फेलियर कहते हैं। पेशेंट आता है, कई बार शराब पी के भी आते हैं, जॉन्डिस पी लिया, बचाने लायक नहीं रहती है। ऐसा पेशेंट में भी हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल से हमने देखा है कि पेशेंट का फाइब्रोस्कैन 75 से हमने 11 तक पहुँचा है लोगों में। 10 से 11 मतलब आपने सेकेंड स्टेज पे लिया है पेशेंट, मतलब दवाइयां से बिल्कुल हमने बहुत सारी दवाइयां बंद भी कर दिया। तो ये मशीन हर स्टेज में इम्पॉर्टेंट है, किसी को बताने के लिए कि भाई आपको फैटी लीवर है कि नहीं है, ये बताने के लिए कि आपको सेकंड या थर्ड स्टेज है, तो आपको मेडिसिन दे के कितना इम्प्रूवमेंट है, तो वो सामने दिख जाएगा कि 3 महीने बाद आपने कराया तो आपका रिपोर्ट नॉर्मल हो गया। और चौथे स्टेज में भी जिसमें पेशेंट बिल्कुल ऐसा रहते कि कोई कंडीशन नहीं होती बचने का, उसमें कितना रिस्पॉन्स, क्योंकि वो पूछते हैं कि सर आप मुझे बताओ कि लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत तो नहीं है, तो उनको मैं बता सकता हूँ कि ये फाइब्रोस्कैन का टेस्ट करा लो,
अभी आपका रिपोर्ट ये है, पहले ये था, ये आपका 20% रिडक्शन हुआ है, लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है या 80% की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रेवाड़ी में सर जिस तरह से लीवर के मरीजों की क्या भी सिचुएशंस हैं, कितने मरीज हैं लगभग, एक आइडिया कितने बढ़ रहे हैं, क्योंकि टाइम बीइंग जिस तरह से इस क्षेत्र में मैंने ये चीज़ देखा है कि फैटी लीवर बहुत कॉमन है। फैटी लीवर लोग लेके घूमते हैं, पता नहीं चलता है अल्ट्रासाउंड में, कई बार नेग्लिजेंस के चलते भी हो, कई बार ऐसा होता है कि अल्कोहल इज द मोस्ट कॉमन कॉज जो मैंने इस एरिया में देखा है। और फैटी लीवर खान पान के चलते भी लोगों ने जो फैट का जो आप अनावश्यक जो हाई कैलोरीज लेते हैं, खाना पीना बर्गर जो होते हैं, डाइट ज़्यादा ऐसा होता है जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट होते हैं, उनमें फैटी लीवर होता है। आज तक आजकल जो बच्चों में भी बहुत कॉमन है, जो बच्चों में पहले कभी देखी नहीं गई थी, बच्चों में हार्ट डिजीज, फैटी लीवर डिजीज, ये सारा चीज़ लाइफस्टाइल से है। इसलिए मुझे लगता है कि रेवाड़ी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पेशेंट को पहले डिटेक्ट करें और बीमारी को हम लोग ठीक करें। देखिए हमारे साथ थे डॉक्टर अभिजीत रंजन, जिस तरह से उन्होंने बताया किस तरह से अपने लीवर को स्वस्थ रखा जा सकता है, क्योंकि यह एक मशीन है जिससे डिटेक्ट किया जाता है, लेकिन उनका प्रयास यह है कि पहले जिस तरह से बीमारी बढ़ रही है पहले से डिटेक्ट किया जा सके और उसका बेहतर उपचार किया जा सके, क्योंकि बीमारी बढ़ने के बाद तमाम प्रिकॉशंस लेने होते हैं। ऐसे में प्रथम